उज्जैन शहर के महत्वपूर्ण वार्ड क्रमांक 42 में उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे और बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ता पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी वार्ड 22 की उम्मीदवार अंजलि बालकृष्ण पटेल भी मौजूद रही। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि संपूर्ण जिले में अगर विकास के काम हुए हैं और होंगे भी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है और मजबूती प्रदान करने वाले अगर कोई हैं तो वह है कार्यकर्ता, जो संगठन हित के लिए हर दम जी जान से काम करते हैं और संगठन को मजबूत रखते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और कम से कम बाबा महाकाल के यहाँ तो कोई कोई झूठ है ही नहीं। बाबा महाकाल की नगरी में ये राम वाली पार्टी के लोग है, कृष्ण वाली पार्टी के लोग है, हनुमान जी वाले लोग है, इनके यहाँ तो ये बर्दाश्त है ही नहीं। हमारे असुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है, देवी शक्ति वाले लोग है जो भगवान राम की जय जयकार करते जाते हैं और परमात्मा परमारे आशीर्वाद देता जाता है। अब तो ये भाजपा का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 42 भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं पूर्ण रूप से वार्ड 42 के सभी मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं लगातार काम करता हूँ। जो यहाँ पे पूर्व काम नहीं हुए हैं, यहाँ की समस्या है काफी वर्षों से, एसी लाइन की समस्या है, सोमपिक कॉम्प्लेक्स की समस्या है और ड्रेनेज की समस्या है। इन्हें मैं पूर्ण करूंगा, ये मैं आप सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ। श्री मुख्यमंत्री ने भी उस दिन भाषण में कहा है कि नगर सरकार रहेगी तो केंद्र का और प्रदेश का पैसा सीधा आएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर बनेगा तो वो ये जो बोर्ड बनने वाला है ये 2028 के सीएस का पूर्व का बोर्ड रहेगा जो काम करवाएगा। तो वास्तव में अगर कोई गलती से भी कांग्रेस का बोर्ड बन गया तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। बात बिल्कुल 100% सही है क्योंकि 15 महीने की सरकार हमने कमलनाथ जी की देखी है कि आपस में एक दूसरे की खेचतान में बचे रहे और इनने ट्रांसफर उद्योग करा। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ी है विकास विकास और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ी है। विकास हम करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है और जिला पंचायत वो तो बनेगा ही और साथ में उज्जैन की भी जो नगर की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से हमारा महापौर भी जीतेगा और हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।